नमस्कार जहार, मैं जागरण क्रिकेट आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक और ब्लॉग में लेके आया हूं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको जरूर इसे पसंद आएगा। दोस्तों, इस चैनल पर यदि आप नए हैं या इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं इस तरह का और आपको नई नई चीज़ों को दिखाते रहूँगा। दोस्तों, बने रहे इस वीडियो के साथ। आज मैं ले जा रहा हूँ आपको दिल्ली के सफदरजंग मकबरे में, जो कि नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन इसका जोरबाग है, और यहीं से आप इस सफदरजंग मकबरे को देखने आ सकते हैं। दोस्तों, ये मुगल शासक के अंतिम शासक बहादुर शाह के एक मंत्री थे सफदरजंग, उसके ही मकबरे का निर्माण यहाँ करवाया गया है। और इसका निर्माण 1754 में उसके सफदरजंग के नवाब शुजाउद्दौला ने करवाया था, और ये बहुत ही सुंदर नक्काशी के रूप में जाना जाता है। इसमें जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं, मकबरे जो बना हुआ है, उसके छत वगैरह बनी है, इसके जो नक्काशी है वो बहुत ही सुंदर है। इसको आपको जरूर पसंद आएगा, जब भी आप यहाँ आएँ जरूर आएँ। दोस्तों, इसके जो पत्थर हैं लाल पत्थर से बने हुए हैं चारों तरफ, और आप जैसा देख भी रहे हैं काफ़ी लोग आते हैं, विदेश के लोग भी इस टॉम को, इस मकबरे को देखने के लिए कई बार आते हैं। और आप जब भी यहाँ आए इस मकबरे को जरूर देखें। दोस्तों, कुछ इस तरह दिखता है ऊपर से नीचे का जो सतह है, चारों तरफ आपको पेड़ पौधे हरियाली देखेंगे। यहाँ आकर के आपको बोर एक नहीं लगेगा, आपका मन खुश हो जाएगा, इसलिए आप एक बार जरूर आएं। इसके चारों ओर आप हरियाली देख सकते हैं, और ये जो बिल्डिंग बनी है लाल पत्थर से बनी है, इसको आप देख करके ऐसा लगेगा कि हमारे देश में लाल पत्थर की कमी नहीं है, और लाल पत्थर से बनी हुई चीज़ कभी भी ख़राब नहीं होती जल्दी। इसके चारों ओर देख रहे हैं जो जल मीनार है, जल मीनार में पानी नहीं है लेकिन पानी रहता है। दोस्तों, देख रहे हैं इसके चारों ओर जो मैदान है, घास के मैदान है, यहाँ पर आकर के आप सुकून से बैठ सकते हैं, अपने समय को व्यतीत कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कुछ और अच्छी चीज़ों को देखने के लिए। आप देख रहे हैं यहाँ कुछ पर्यटक लोग भी आए हुए हैं, और यहाँ की जो लिफ्ट है उठा रहे हैं। चारों तरफ इसके लाल पत्थर से दीवारें बनी हुई है, फर्श भी लाल पत्थर से है, और इसके नीचे की ओर मैदान है, पेड़ पौधे भरे पड़े। ये कोई एक पर्यटक है जो कि सेल्फी ले रहा है, फोटो खिंचवा रहा है, क्योंकि यहाँ का जो लुक है, यहाँ का जो दृश्य काफ़ी अच्छा है, इसलिए यहाँ पर लोग फोटो खिंचवाने के लिए अक्सर शाम को आपको देखने को मिलेंगे। आप यहाँ आएँ और फोटो खिंचवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ का जो लुक है बहुत ही सुंदर है। इसके जो दीवारें हैं आप देख रहे हैं लाल पत्थर से बनी हुई है, और काफ़ी अच्छे तरीके से बने हुए हैं। इसका जो डिजाइन किया गया है काफ़ी अच्छा है, देख रहे हैं दोस्तों, दीवार जो है पूरी लाल पत्थर से बनी हुई है, इसके दरवाजे भी लाल पत्थर से बने हुए हैं, और चारों तरफ इसके दरवाजे हैं, आप एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे की ओर आराम से जा सकते हैं, इसलिए लोग यहां आते हैं और चारों तरफ घूमते हैं। दोस्तों, देख रहे हैं कुछ पर्यटक लोग आए हुए हैं और यहाँ पर अपना फोटोशूट कर रहे हैं। देख रहे हैं पूरा जो फर्श लाल पत्थर से बना हुआ है। यहाँ आप जब भी आते हैं इस मकबरे को जरूर देखिए, क्योंकि इस मकबरे को देखने से आपको पता चलेगा कि हमारे देश में कितने अच्छे डिजाइनर
पहले हुआ करते थे, अब छत देख रहे हैं कितने अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है, कितने अच्छे तरीके से इसका नक्काशी की गई है। आप इसको ऐसा देख करके लगेगा नहीं कि पुराने समय में भी इतने अच्छे डिजाइनर हुआ करते थे, इतने अच्छे जो जो मिस्त्री हैं ये बोला जाए या नक्काशीदार हैं हुआ करते थे, ये आपको कतई विश्वास नहीं होगा। लेकिन सच्चाई यही है कि ऐसा सच में ही बहुत ही अच्छे कारीगर हुआ करते थे, बहुत अच्छे डिजाइनर हुआ करते थे, जो कि आज के समय में भी बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि उस ज़माने में बहुत कम पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन फिर भी इतनी अच्छी उन्होंने डिजाइन किया, इतने अच्छे उन्होंने दीवारें बनाई, छत बनाई, दरवाजे बनाए, जिसकी कल्पना आज नहीं की जा सकती है। ये दोस्तों मकबरा है या कब्र है जो कि सफदरजंग की है, जो कि नवाब वहाँ के जो नवाब हैं शुजाउद्दौला ने बनवाया था 1754 में, और ये बहादुर शाह के एक कुशल शासक और कुशल मंत्री रहे, इसलिए इनके याद में इस मकबरे को, इस टॉम को यहाँ पर बनाया गया। देख रहे हैं दोस्तों चारों तरफ छत है, छत के चारों ओर बालकनी बनी हुई है, लेकिन उस बालकनी की ओर जाना भी इजाज़त नहीं मिलती है, क्योंकि वहाँ पर पहले जैसी ये बिल्डिंग नहीं रही और इसलिए खतरा बना हुआ रहता है, इसलिए वहाँ पर जाने का इजाज़त आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आप जब यहाँ आते हैं तो इसके चारों ओर आप इसका ब्रोज देखते हैं तो आपका मन काफ़ी खुश हो जाएगा। जब मैं यहाँ आ रहा था लगता बाहर से ये नहीं लग रहा था कि ये अच्छी जगह है, लेकिन जब मैं अंदर आया तो काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिली, काफ़ी अच्छी जो डिजाइनें देखने को मिली यहाँ पर, और इसको देख करके निश्चित ही मुझे बहुत अच्छा लगा। देख रहे हैं दोस्तों कितनी अच्छी डिजाइनिंग की गई है, कारीगर यहाँ के जो बहुत ईमानदार हुआ करते थे, बहुत ही मेहनत हुआ करते थे, मेहनत के बल पर ये डिजाइनिंग की गई है। इसको देख करके आपको कतई विश्वास नहीं होगा कि पुराने समय में भी इस प्रकार के अच्छे कारीगर हुआ करते थे, लेकिन ये सच्चाई है, आपके सामने ये इस मकबरे को देख करके पता चल जाएगा। दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर करें अपने लोगों से, ताकि जो कोई भी दिल्ली आना चाहता है तो इस वीडियो को देख करके आए और उसको लगेगी कि हमारी दिल्ली जो है कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी चीज़ें यहाँ देखने को मिलती हैं। दोस्तों इस वीडियो को सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि इस तरह का जो है और वीडियो मैं आपको लाते रहूँगा। दोस्तों आगे कुछ अच्छी चीज़ें और देखते हैं। ये कुछ दीवारें हैं जो कि लकड़ी से बनी हुई हैं, यहाँ मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाह रहा था। ये पीछे का जो व्यूज़ है, पीछे कुछ फ़ोटो शूट हो रहा है और यहाँ पर चीज़ें आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है। यहाँ पर गार्ड भी बन आपको लगातार मिलेंगे, आप कुछ का जो गाइडेंस करने के लिए, आपको सही दिशा देने के लिए, किसी प्रकार किसी अन्य चीज़ों को ना छूने के लिए सतर्क करते रहेंगे। आप देख रहे हैं ऊपर का जो बालकनी है, बालकनी से भी देखा जा सकता है, लेकिन अभी बालकनी नहीं जा सकते हैं क्योंकि वहां पर जान का खतरा है, क्योंकि बिल्डिंग जो है काफ़ी पुरानी हो चुकी है, 1754 यहाँ नहीं है, काफ़ी पुराना है। आप इसलिए यहाँ पर आए तो इन चीज़ों को जरूर देखें। दोस्तों मिलते हैं अगर किसी वीडियो को इसी तरह नए ब्लॉग के साथ, तब तक लिए नमस्कार, जोहार, जय हिंद, और खुश रहिए और इस तरह का जो वीडियोस है देखते रहिए और मेरे चैनल को हमेशा सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना ये चैनल आगे नहीं बढ़ पाएगा। आपने अभी तक मेरे जो सपोर्ट किया, उस सपोर्ट के लिए आपको धन्यवाद। इसी तरह आप मेरे साथ बने हुए रहिए। गुड बाय और